Welcome back after completing 1000 our subscriber on this platform. In this video, we will discuss how we can calculate the sales incentive or sales commission with the help of ifs function. So, अपने पास ये वाला डेटा सेट है. इस सेट में सेल्स कमीशन और सेल्स इंसेंटिव दिया हुआ है. डेटा हम लोगों ने रेडीमेड आप लोगों के लिए जो है बना लिया है. यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे एक्चुअल है और उसका अचीवमेंट भी निकाल लिए हैं हम लोग. अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जो है इंसेंटिव निकालने के लिए इप्स का जो फॉर्मूला यूज में आएगा वो लगाते हैं. तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले इप्स फॉर्मूला लिखेंगे. टैब लगा के ब्रैकेट ओपन. फर्स्ट क्राइटेरिया अपना अचीवमेंट का होगा. D11 इज लेस देन 80%, देन द कमीशन विल बी 0%, कॉमा एंड का यूज करेंगे. टैब लगा के ब्रैकेट ओपन. अब E11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, देन E11 इज लेस देन 90%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन द क्राइटेरिया विल बी 0%. तो अपना ये 0% को लेंगे और 0% में सी अपना फ्रीज हो जाएगा. उसके बाद यहाँ फिर से हम लोग कॉमा लगाएंगे, एंड का यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट में E11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% और E11 इज लेस देन 100%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन द क्राइटेरिया विल बी C6 दिस वन. और यहाँ पे भी सी को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे. फिर यहाँ पे भी हम लोग कॉमा लगाएंगे अगेन एंड ब्रैकेट में E11, थर्ड क्राइटेरिया है अपना इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, कॉमा, E11 इज लेस देन 120%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन द क्राइटेरिया विल बी दिस वन C7. सो अगेन वी विल फ्रीज दिस सी. ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे. फिर अपना लास्ट क्राइटेरिया है E11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 120%, देन दिस क्राइटेरिया विल बी 3%. सो अगेन दिस C8 विल बी फ्रीज्ड एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड कॉपी दिस सेल एंड ड्रैग इट डाउन. सो हम लोग को यहाँ पे जो है इंसेंटिव कैसे लगाना है उसका फॉर्मूला मिल गया. सो सेल्स इंसेंटिव और कमीशन जो है सेल्स कमीशन, इसी बेस पे आप लोग जो है बड़े डेटा सेट से भी निकाल सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.